छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर कांग्रेस और राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के धरने में उन्होंने कहा, उनकी मांग है कि राहुल गांधी से पूछताछ का लाइव प्रसारण कराया जाए, पूरा देश देखे कि ईडी क्या पूछ रही है और राहुल जी इसका क्या जवाब दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाई भाई को मदद करे, बाप बेटे की मदद कर दे तो वह अपराध नहीं होता, उसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहते। लेकिन कांग्रेस ने अपने ही अखबार नेशनल हेराल्ड की मदद कर दी तो पूछताछ हो रही है, चार दिन से पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री ईडी राहुल गांधी से क्या पूछ रही है, तो मैं सीधा कहता हूं कि ईडी कार्यालय में कैमरा लगा दिया जाए और उसका लिंक सभी मीडिया हाउसेस को दे दिया जाए, पूरा देश देखे कि ईडी क्या पूछ रही है और राहुल जी इसका क्या जवाब दे रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेशनल हेराल्ड केस की बात भी उठाई। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में नेशनल हेराल्ड पर अंग्रेजों ने पाबंदी लगाई थी, इस अखबार की आज़ादी में अहम भूमिका रही है, उसको जीवित रखने के लिए कांग्रेस ने मदद कर दी, ऋण दे दिया तो कोई अपराध नहीं किया। जिन अंग्रेजों ने नेशनल हेराल्ड पर पाबंदी लगाई थी उन्हीं के समर्थक, उन्हीं के मानने वाले लोग उसके माध्यम से चार दिन से पेशी पर बुला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।